इस बार के लोकसभा चुनाव हर एंगल से बेहद खास हैं। भाजपा को अपनी सत्ता संभाले रखने के साथ साथ मतदाताओं के भरोसे वाले लिटमस टेस्ट पास करने को लेकर, तो विपक्षी दलों को अपने अस्तित्व बचाए रखने का, मतलब चुनावों में हर वो हथकंडा अपनाने में कोई गुरेज नहीं साहब जिससे जीत तक का रास्ता तय होता हो। विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA ने अब भाजपा को पटकनी देने का नायाब रास्ता अख्तियार किया है, वही अंग्रेजों वाला लेकिन हर समय कारगर। फूट डालो राज करो। जी, हाल ही में जेल से बाहर निकलकर आए दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इसी फार्मूले का उपयोग किया है। केजरीवाल ने भाजपा के कद्दावर नेताओं की भविष्य की घोषणा करते हुए मोशा पर निशाना साधा और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए शिवराज सिंह चौहान की मिसाल भी दे डाली। मोशा, अरे बोले तो मोदी शाह। बेशक आरोप तगड़ा है, अगर ये चुनाव जीत गए इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी, अब अगला किसका नंबर है। लेकिन भाजपा ने भी इसकी काट निकाल ली है। मध्य प्रदेश में चुनावी चरण पूर्ण होते ही शिवराज को दिल्ली के मैदान में उतार दिया गया है। शिवराज अपने चिरपरिचित अंदाज में दिल्ली की सभाओं में न सिर्फ केजरीवाल को घेर रहे हैं, बल्कि पार्टी ये भी बताने की कोशिश में जुटी हुई है कि विपक्ष के कयास बेबुनियाद है। जानकारी के अनुसार जल्दी UP के CM यानी कि योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में सक्रिय होते हुए दिखेंगे। कुल जमा बॉस, चुनावी जंग चरम पर है और सियासी पार्टियां कोई भी हथकंडा छोड़ने को तैयार ही नहीं।